Hello children, welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. Today we will learn general knowledge of class 6 and today we will learn lesson 3rd and lesson 3rd is about trees. Trees our friend. पेड़ पौधे हमारे दोस्त मित्र जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और आज हम इस लेसन में पेड़ पौधों के कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पढ़ेंगे जैसे जो संसार का सबसे छोटा पेड़ होता है प्लांट होता है वो कौन सा होता है इसके अलावा हम यह जानेंगे कि जो सबसे बड़ा बीज होता है एक पेड़ ऐसा होता है जो कि एक सीड ऐसा प्रोड्यूस करता है वो जिसका वेट 15 से लेकर 30 किलोग्राम तक होता है ठीक है इसी तरीके के ही कुछ पेड़ पौधों के प्लांट्स के बारे में आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे लेट्स बिगन द लेसन टुडे वी विल लर्न जनरल नॉलेज क्लास 6 लेसन 3 लेसन 3 इज अबाउट ट्रीज आवर फ्रेंड लेट्स बिगन स्टडी राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द हेल्प बॉक्स क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर देने हैं और हेल्प बॉक्स की सहायता से यूज करके आपको इनके करेक्ट आंसर फिल करने हैं लेट्स बिगन फर्स्ट वन इज नेम द ट्री विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सीड दैट मे वे 15 to 30 किलोग्राम एक ऐसा पेड़ ट्री जो कि सबसे बड़ा बीज प्रोड्यूस करता है इसका क्या नाम है इसकी जो बीज है इसकी जो भार है लगभग वेट उसका 15 to 30 किलोग्राम होता है इसका नाम है डबल कोकोनट और कोको डी मर पाम दिस इज द नेम ऑफ द ट्री नेक्स्ट वन इज रेवेल्ला और मेडेगास्कारियंसिस हैज लीव्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए बिग फैन ये जो ट्री है इसकी जो पत्तियां हैं वो एक पंखे की तरह फैली हुई होती हैं अरेंज होती हैं व्हाट इज इट कॉमनली नोन एज इसको कॉमनली किस नाम से सामान्य किस नाम से जाना जाता है दिस इज द ट्रैवलर ट्री हियर इज द पिक्चर ऑफ ट्रैवलर ट्री इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पंखी की तरह पंखी की शेप में होती हैं नेक्स्ट वन इज सम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स कुछ पेड़ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होते हैं बनते हैं एंड नॉट सीड से नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं व्हाट इज द कॉमन नेम गिवन टू देम उनको क्या कहा जाता है इसका नाम है क्रिप्टोग्राम इसका नाम है GRAM है इसमें ये एक मिस हो गया है लेट्स सी द नहीं गेम ये ठीक है लिखा हुआ है ये क्रिप्टोग्राम्स लिखा हुआ है दिस इज द करेक्ट आंसर जैसे कि हमारे यहाँ पर मशरूम देखने के लिए मिल जाती है वह जो है एक कवक होता है जो कि बीज से नहीं पैदा होता है ठीक वह ऐसे ही हो जाता है कहीं भी स्पोर्स से होती हैं और ये सारी चीज़ें इस तरीके की विच वाटर प्लांट स्टेम वॉज यूज टू मेक ए पेपर लाइक मटीरियल टू राइट ऑन इन एंशियंट इजिप्ट एक ऐसा वाटर प्लांट जिसका स्टेम यूज़ किया जाता है एक पेपर जैसा मटेरियल बनाने के लिए जिस पर लिखा जाता है और यह है जो है जो एंशियंट इजिप्ट है उसमें यह मतलब पेड़ जो है उगता है ग्रो करता है दिस इज द पेपरस PAPYRUS पेपरस नेक्स्ट वन इज एज ए होबी एक आदत की तरह बीन फार्मर जिनका नाम एलेक्स और लेंडसन
शेप्ड ट्री, उन्होंने जो पेड़ है उनको आकार देना शुरू किया, आकार दिया. ही प्रूनड बेंट ग्राफ्टेड ट्रीज इनटू फैंटास्टिक शेप, उन्होंने जो पेड़ हैं उनको उनकी छटाई की, और छटाई के अलावा उनको झुकाया पेड़ों को, और इसके अलावा उनकी कलम बनाई और उनको एक फैंटास्टिक शेप दिए, एक अच्छा आकार दिया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ सच ट्रीज, इस तरीके के पेड़ों का, ट्रीज का क्या नाम है. द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्रीज आर सर्कस ट्री. नेक्स्ट वन इज मेंशन द नेम ऑफ ए ड्राइड कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड प्लांट्स पार्ट प्रिजर्व्ड एंड सिस्टमेटिकली क्लासीफाई फॉर स्टडी. एक सूखे पेड़ों को एक जगह रखा जाता है या उनके पेड़ों को रखा जाता है और उनको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए रखा जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है. उनको बोला जाता है हर्बेरियम, सूखी वनस्पतियों का संग्रह, जहाँ पर सूखे पेड़ या फिर उनके पार्ट्स को स्टडी करने के लिए रखा जाता है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए ट्री विद पेयर्ड लेंथी लीव्स विच गिव्स अस एरोमेटिक वुड एंड फ्रेग्रेंट ऑयल. उस पेड़ का नाम क्या है जिसकी पत्तियाँ जोड़े में होती हैं और चमड़े जैसी होती हैं, और विच गिव्स अस, जो हमें देता है एरोमेटिक वुड, खुशबूदार लकड़ियाँ, वुड देता है, और फ्रेग्रेंट ऑयल और खुशबूदार तेल देता है, ऑयल देता है. द नेम ऑफ दिस ट्री इज सैंडलवुड ट्री. नेक्स्ट वन, नेम द स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा ट्री, ग्राफ विलो. नेक्स्ट वन इज नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री, संसार का सबसे पुराना पेड़, ओल्डेस्ट ट्री, अराउंड 4845 ईयर ओल्ड, दिस इज द एज ऑफ द ट्री इन कैलिफोर्निया, और ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, संसार का सबसे पुराना पेड़ जिसकी एज लगभग 4845 है और कैलिफोर्निया में पाया जाता है. द नेम ऑफ दिस ट्री इज मथूसला, METHUS, मथूसला, ELAH. नेक्स्ट वन इज नेम द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्री इन अर्जेंटीना विच इज एबल टू सर्वाइव एक्सेस फायर स्टॉर्म एंड इंसेक्ट अटैक. संसार का सबसे टफेस्ट ट्री जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कुल्हाड़ियों, आग, तूफान या फिर कीटों के हमले से बचाने में सक्षम होता है. द नेम ऑफ दिस ट्री इज अम्बू ट्री. नेक्स्ट वन इज विच लिविंग ट्री हैज द स्टाउटेस्ट ट्रंक ऑफ एनी ट्री इन द वर्ल्ड. यह जो पेड़ है इसका जो ट्रंक है वो सबसे ज़्यादा कठोर है, सख्त है, सबसे बड़ा है संसार में, सबसे बड़ा ट्रंक है इसका. इट्स ट्रंक हैड ए डायमीटर ऑफ 11.62 meters इन 2005 में इसका जो ट्रंक था वह लगभग इतने 11.62 डायमीटर था. इसका नाम है अल अरबोल डेल टुले, दिस इज द नेम ऑफ द ट्री. नेक्स्ट वन इज विच टोलेस्ट लिविंग ट्री इन कैलिफोर्निया इन एग्जैक्टली 112 meters हाई. कैलिफोर्निया में सबसे लंबा पेड़ है, टोलेस्ट ट्री है, जिसकी जो हाइट है वो लगभग एग्जैक्ट दी हुई है, एग्जैक्ट 112 meters है, और इसका नाम है मेडोसिनो रेडवुड ट्री. दिस इज़ द लेसन थर्ड ऑफ क्लास सिक्स. इफ आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस लेसन को, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.